अखिलेश यादव ने मंगेश यादव एनकाउंटर पर अपना स्टैंड कड़ा कर लिया है। ये जानते हुए कि मंगेश यादव जिसका एनकाउंटर एसटीएफ और पुलिस ने किया था उस पर बेहद ही गंभीर आरोप सर्राफा व्यापारी के घर से दुकान से 1.5 करोड़ लूटने का है उनके साथियों के साथ। लेकिन अखिलेश यादव को ये मुद्दा इसलिए दिल के बेहद करीब लग रहा है, उन्हें लगता है कि अपने कोर वोट बैंक के लिए खड़ा होने का यह मुफीद वक्त है। एक, उनका मानना है कि लगातार जो एनकाउंटर्स हो रहे हैं ये फर्जी एनकाउंटर है, इसमें एक सिस्टम बना करके इस एनकाउंटर को अंजाम दिया जा रहा है। और दूसरी बात ये कि अखिलेश यादव को लगता है कि अगर यादव और मुसलमान अगर इनके एनकाउंटर्स हो रहे हैं, बेशक वो अपराध बड़े अपराध के आरोपी ही क्यों ना हो, अगर इस पर नहीं बोला गया तो उनके अपने वोट बैंक में उनकी स्थिति कमजोर हो सकती है। और वो इसलिए कि कांग्रेस पार्टी तब यहां उनसे कंपीट करती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी को घेरने के लिए किसी भी मुद्दे पर अखिलेश से आगे चली जाती है। और यहां अखिलेश यादव को लगता है कि नहीं, कम से कम अब वो बोलने से नहीं चुकेंगे। और लगातार अगर आपने देखा, चाहे वो मोहित खान का मामला हो अयोध्या का, जिसमें एक नाबालिग के साथ गैंग रेप और बलात्कार के बावजूद अखिलेश यादव ने उसमें डीएनए टेस्ट की मांग कर दी। नवाब सिंह यादव कन्नौज का जो मामला आया था, जिसमें एक नाबालिग लड़की के साथ रेप का जो मामला आया, उसमें हालांकि समाजवादी पार्टी बहुत ज्यादा नहीं बोल पाई, लेकिन सरकार ने भी एक तरीके से खेल कर दिया और उसने नवाब सिंह यादव के मामले में डीएनए टेस्ट को सार्वजनिक कर दिया। उसमें नवाब सिंह यादव फंस गए कहने का मतलब उनका डीएनए मैच कर गया। हालांकि अभी अयोध्या के डीएनए की रिपोर्ट नहीं आई है, जिसमें मोहित खान और उनका ड्राइवर राजू आरोपी। लगातार अखिलेश यादव ऐसे बड़े आरोपों के बावजूद जो उनके वोट बैंक के लोगों, मतलब कहने का मतलब है कि अगर यादव और मुसलमानों पर लग रहा है तो अखिलेश यादव उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये नहीं कि बिल्कुल सीधे समर्थन कर रहे हैं, बट सवाल खड़े कर रहे हैं। और सवाल खड़े करते करते उन्हें लगता है कि सरकार ज्यादती भी कर रही है। और अगर आप देखें इस मामले को, खास करके मंगेश यादव के मामले को, तो जिस रात एनकाउंटर हुआ उसी रात अखिलेश यादव से पूरा परिवार संपर्क में आ गया। जब एनकाउंटर के बाद उसकी डेड बॉडी को फैमिली को सौंपा जाना था, उसके पहले परिवार वालों ने देर रात को अखिलेश यादव को फोन मिलाया और फिर फोन उनकी जो फोन की बातचीत हुई परिवार से और पुलिस वालों से, ये भी किसी दूसरे मोबाइल से रिकॉर्ड हुई और ये वायरल हो गया। कहा जाता है कि अखिलेश यादव के उस वक्त मौके पर मौजूद लोगों से बात करने की वजह से उस रात मंगेश के शव को परिजनों को सौंपना पड़ा, नहीं तो अनन-फानन में पुलिस चाहती थी कि उसका दाह संस्कार रात में करा दिया जाए। खैर, यह मुद्दा इतना बढ़ गया है कि अब अखिलेश यादव इससे पीछे नहीं हट सकते। और दूसरी बात, उनका अपना पूरा वोट बैंक इसके साथ खड़ा हो, उन्हें लगता है कि इस मुद्दे पर बोलने की वजह से अगर कहीं थोड़ी बहुत नाराजगी भी रही होगी अखिलेश यादव के खिलाफ, या फिर इन बिरादरियों में कि जो लोग दूसरी पार्टियों की तरफ भी होंगे, कम से कम इस मुद्दे पर मुखर होकर बोलने से वो उनके साथ खड़े हो जाए। यानी अखिलेश यादव का जो अपना पूरा वोट बैंक है, वो पूरी तरीके से इन मुद्दों पर सिर्फ अखिलेश यादव के बोलने से, खड़े होने से, स्टैंड लेने से, परिवार के साथ मजबूती से खड़े होकर मुद्दे को उठाने से अब उनके साथ सॉलिड कंसोलिडेट करता जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी लगातार कह रही है कि अपराधियों का कोई जात नहीं होती, पुलिस की गोली कभी अपराधी की जात देखकर नहीं चलाई जाती। और यहां अखिलेश यादव का और समाजवादी पार्टी का जो अपना पुराना उनका एक तरीका है, स्टैंड है अपराधियों माफियाओं के साथ खड़ा होने का, वो वही कर रहे हैं। बावजूद इसके अखिलेश यादव खड़े हैं और पूरी पार्टी खड़ी, तो इसका सियासी फायदा भी अखिलेश यादव को मिलेगा। और फायदा इस सेंस में भी कि चलो मुस्लिम और यादव ये ऐसी बिरादरियां हैं जो लगातार अखिलेश यादव के साथ खड़ी हैं। लेकिन अगर चुनौती मिल रही है इस वक्त तो बीजेपी से नहीं, कांग्रेस पार्टी से मिल रही है। कांग्रेस और सपा एक साथ हैं, ये दोनों वोट बैंक एक साथ हैं, दोनों का फायदा है। लेकिन अगर कहीं ऐसी स्थिति बनती है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी
अलग होने की इस राह पे जाते हैं, तब आप ये मान लीजिए कि फिर इस वोट बैंक की लड़ाई होगी। और तब अखिलेश यादव कतई नहीं चाहते कि कांग्रेस पार्टी उनसे इस मामले में लीड ले ले, यानी कि कांग्रेस पार्टी उनके उस वोट बैंक के साथ खड़ी हो जाए और वो पीछे रह जाए। यही वजह है कि अब अखिलेश यादव चाहे एनकाउंटर का मामला हो, फेक एनकाउंटर हो, अब खुलकर बैटिंग करने लगे हैं। आज कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो मंगेश यादव के घर पहुंचे और परिवार से मिले, तो कांग्रेस पार्टी भी अब इस मुद्दे पर मुखर हो चुकी है और खुलकर सामने आ गई। ऐसे में सरकार के लिए इस मुद्दे पर खुद को डिफेंड करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। जिस तरीके से एनकाउंटर के पर सवाल उठे, जिस तरीके से उस टीम को लीड करने वाले, एसटीएफ को लीड करने वाले जो पुलिस अधिकारी हैं, उनकी भूमिका सवालों के घेरे में आई, और जिस तरीके से लगातार सवाल उठ रहे हैं, ये सरकार के लिए भी गले की हड्डी कल को बन सकते हैं, गले की फांस बन सकते हैं, ये सरकार को मालूम है। और जैसे ही अखिलेश यादव को लगा कि उनके इस मुद्दे पर उनके अपने लोग साथ खड़े हैं, वो और मुखर और अग्रेसिव हो गए। तो अखिलेश यादव की पूरी सियासत है कि उनका वो लोगों के साथ अपने खड़े हों, उनका अपना वोट बैंक उनके साथ जुड़ा रहे, और ये पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है। तो क्या बीजेपी को इसका नुकसान होगा? फिलहाल अखिलेश यादव की तरह ही योगी आदित्यनाथ ने भी टफ स्टैंड ले रखा है, और उनका मानना है कि अपराधियों की जात नहीं होती और एनकाउंटर गलत नहीं होता। खैर, इस मुद्दे पर हमारी आगे नजर बनी रहेगी कि इस मुद्दे पे आगे और क्या होता है। तो मंगेश यादव का मुद्दा आसान भी नहीं है, बीजेपी के लिए भी सचमुच ये गले की फांस और मुसीबत बनता जा रहा है। आज बाकायदा कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मंगेश यादव के घर पहुंचे और पूरे इस घटनाक्रम को समझा और परिवार का हालचाल पूछा, परिवार का से बातचीत। यानी कांग्रेस पार्टी भी इस मुद्दे पर अखिलेश यादव की तरह ही टफ स्टैंड ले रही है, यानी कि दोनों पार्टियां अब सरकार को ये कह रही हैं, बता रही हैं कि ये एनकाउंटर फर्जी है और आपने जो एनकाउंटर किया है वो गलत है। सरकार की तरफ से खुद मंत्री योगी आदित्यनाथ ने बातें कही हैं और तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं और मंत्रियों ने भी बातें कही, लेकिन बात वही है, देखना है कि क्या ये मुद्दा सपा को फायदा पहुंचाएगा या बीजेपी को। हम सियासत की बात कर रहे हैं, लेकिन एक बात साफ है, अभी इस पूरे लूटकांड के ऊपर से पूरी तरीके से पर्दा उठना बाकी है, यानी कि शीशे की तरह ये पूरा मामला साफ होना बाकी है, क्योंकि अभी कई ऐसे आरोपी हैं जो पुलिस की गिरफ्त में नहीं है, अभी तक लूट का माल बरामद नहीं हुआ है, और बहुत सारे आरोपियों में यादव और मुसलमान बिरादरी के लोग ऐसे हैं जो इस मुद्दे में फरार बताए जा रहे हैं। तो आगे क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन आपको एक आंकड़ा दिखाते हैं। दरअसल इस सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि ये एक खास धर्म और एक खास जाति के लोगों का ही एनकाउंटर कर रहे हैं, तो ये डेटा सामने है, आप इस डेटा को देखिए। इसमें मुसलमान, ब्राह्मण, ठाकुर, यादव, ओबीसी, दलित सबों का एक डेटा है, यानी पिछले 7 सालों में एनकाउंटर में जितने लोगों की मौत हुई उन मौतों का ये आंकड़ा है। और आपको आंकड़े से पता चल जाएगा कि अगर ये नैरेटिव बना है कि यादव और मुसलमान सबसे ज्यादा मारे गए हैं, तो इसमें एक आंकड़ा तो सही है कि मुसलमानों की संख्या सबसे ज्यादा है, और इनफैक्ट सबको जोड़ लें तो भी उससे ज्यादा है, लेकिन अकेले यादवों की तादाद चौथे नंबर पर आती है, यानी कि यादवों से कहीं ज्यादा ब्राह्मण और ठाकुर इन 7 सालों में इस सरकार में एनकाउंटर में मारे गए। आपके सामने यह आंकड़ा है, इसे देखिए और अंदाजा लगाइए, लेकिन इस पर सियासत रुकेगी नहीं, ये तय है।